आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। BCCI ने 30 अप्रैल को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान में एक ऐसा नाम गायब है जिसने सभी को चौंका दिया। अब वो खिलाड़ी कौन है, चलिए देखते हैं। वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि KL राहुल है। जी हाँ, रोहित शर्मा के बाद के अगले कप्तान कहे जाने वाले KL राहुल को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम में जगह नहीं मिली। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये सवाल हर किसी के मन में है। राहुल इस IPL सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 10 मैचों में 406 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। 142 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले राहुल ऑरेंज कैप की रेस में भी टॉप 5 में शामिल हैं। और इसके अलावा राहुल काफी अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने भारत के लिए 50 से ज्यादा T20I मैचेस खेले हैं और 2 शतक भी लगा चुके हैं। तो फिर सिलेक्टर्स ने उन्हें टीम से बाहर क्यों किया, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे राहुल को हाल ही में चोट लगी थी जिसके कारण वो कुछ मैचों से बाहर रहे थे। हो सकता है कि सिलेक्टर्स उन्हें पूरी तरह से फिट नहीं मान रहे हो। टीम बैलेंस, राहुल के अलावा भी टीम में कई बेहतरीन ओपनर हैं। ऋषभ पंत, ईशान किशन और दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ी भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हो सकता है कि सिलेक्टर्स ने टीम बैलेंस को ध्यान में रखते हुए राहुल को बाहर रखा हो। अन्य खिलाड़ियों को मौका, राहुल को पहले ही कई मौके मिल चुके हैं। हो सकता है कि सिलेक्टर्स ने अन्य युवा खिलाड़ियों को भी आजमाने का फैसला किया हो, लेकिन राहुल के फैंस इस फैसले से खुश नहीं है। सोशल मीडिया पर कई लोग राहुल को टीम में ना शामिल करने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है, क्या राहुल को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम में जगह मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिक न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।